हेलो एंड वेलकम बैक टू काबलॉग इंडिया। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट यथार्थ। आज मैं हूं चेन्नई की बहुत ही खूबसूरत ईसीआर रोड पर और ये मेरे साथ है, आप देख ही रहे हैं, निसान की मैग्नाइट। बट दिस इज़ नॉट अ रेगुलर निसान मैग्नाइट, बिकॉज आप में से जो लोग इस गाड़ी को फॉलो करते आ रहे हैं आप उनको पता होगा जब ये गाड़ी आज से करीब 2.5-3 साल पहले लॉन्च हुई थी तो उसमें आपको दो इंजन वेरियंट्स मिल गए थे, एक था टर्बो एक था नॉन टर्बो। अब जो टर्बो था उसमें आपको मैनुअल और सीवीटी ऑप्शंस मिलते थे, बट द नॉन टर्बो केम ओनली विद अ मैनुअल ट्रांसमिशन। बट दैट हैज चेंज्ड बिकॉज दिस कार हेयर इज द न्यू निसान मैग्नाइट ईजी शिफ्ट, जिसमें आपको मिलता है 5-speed AMT। तो मेरे इस वीडियो में आज इस गाड़ी को काफ़ी देर तक चलाने वाला हूँ, इनको अलग अलग रोड्स पे चलाऊंगा इस गाड़ी को। इसका जो AMT का बिहेवियर है वो कैसा है ये आपको बताऊंगा, यही नहीं इसकी जो इंजन परफॉर्मेंस है विद दिस न्यू ट्रांसमिशन एंड इसका जो NVH वगैरह है वो कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ये जानने की कोशिश करिए कि क्या निसान मैग्नाइट AMT जो है इसकी जो सेल्स को है या इसकी जो पॉपुलैरिटी को है और ज़्यादा बूस्ट कर पाएगी। तो गाइस हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर डिजाइन एंड स्टाइलिंग से। जैसा कि आपने नोटिस कर ही लिया होगा, दिखने में ये जो नई ईजी शिफ्ट मैग्नाइट है ये रेगुलर वेरियंट्स जो है इसके या फिर जो अभी तक अवेलेबल जो वेरियंट्स है उनकी तरह ही है, नथिंग हैज चेंज्ड। बट यहाँ पे एक चीज़ यहाँ बताना इंपॉर्टेंट है कि इसका जो ये नया AMT मॉडल आया है ये आपको तीनों ही ट्रिम्स अवेलेबल है, फिर चाहे आप बेस मॉडल की बात करें या टॉप एंड जो XV प्रीमियम है उसकी बात करें। एंड दैट्स द रीज़न जैसा आप देख रहे हैं इसमें आपको सारे जो बेल्स एंड विसल्स हैं जैसे कि फॉग लैम्प्स वगैरह वो मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत आपको LED DRS मिलते हैं, वेरी स्लीक हेडलैम्प्स, और अगर कुछ हाईलाइट्स की बात करें तो आपको 16 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इनफैक्ट इसका जो ये बॉडी कलर भी आप देख रहे हैं दिस इज़ ऑल्सो डुअल टोन एंड इनफैक्ट दिस इज़ अ न्यू पेंट ऑप्शन जिसमें आपको ये ब्लू ब्लैक रूफ के साथ मिल जाता है। तो बट मोटी मोटी बात यह है कि एक्सटीरियर में कुछ चेंज नहीं हुआ है एक्सेप्ट फॉर दिस वन वेरी माइनर थिंग। यहाँ पे आपको बूट लिड पे आप देख सकते हैं ईजी शिफ्ट की काफ़ी एक अच्छी बड़ी बैजिंग मिल जाती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग हैज चेंज एंड दैट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल बिकॉज मैग्नाइट लुक्स क्वाइट गुड, इट लुक्स इनफैक्ट क्वाइट स्टाइलिश। थोड़ा सा इसमें जो जैपनीज स्टाइलिंग के एलिमेंट्स हैं वो मिल जाते हैं, जैसे ग्रिल काफ़ी अच्छी मिलती है, काफ़ी शार्प हेडलैम्प्स मिलती हैं। सो ओवरऑल दिस इज़ अ प्रीटी हैंडसम कॉम्पैक्ट SUV एंड अब ऑब्वियसली इसमें आपको AMT भी मिल चुका है। तो चलिए बिना कुछ और वक्त ज़ाया करें इस गाड़ी को चलाना शुरू करते हैं और आपका आपको बताते हैं कि चलाने में गाड़ी कैसी है और क्या आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं। गाइज जब आज से कुछ 2.5-3 साल पहले मैग्नाइट लॉन्च हुई थी तब मैंने इसका जो टर्बो CVT वर्जन है उसको काफ़ी टाइम चलाया था, अराउंड 3 महीने चलाया था एंड आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस एंड द इनफैक्ट द वे द CVT वॉज ट्यून दैट वॉज एक्चुअली वेरी नाइस एंड वेरी वेल सॉर्टेड। तो जाहिर सी बात है जब मैं इसका आज मैग्नाइट का नॉन टर्बो AMT वर्जन चला रहा हूँ तो जो पहले कंपैरिजन आ रहे हैं सबकॉन्शियसली वो टर्बो CVT वेरिएंट से ही आ रहे हैं एंड उसके मुकाबले तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस में काफ़ी फर्क है। जहाँ वो गाड़ी 100 PS और 160 NM बनाती है वहीं ये 72 PS और 96 NM बनाती है, तो ऑब्वियसली इसकी परफॉर्मेंस में भी वो आपको फर्क जो है वो झलकता है। बट देन दिस कार केटर्स टू अ स्लाइटली डिफरेंट ऑडियंस जिसको एक कम प्राइस की ज़्यादा माइलेज की गाड़ी चाहिए, उस हिसाब से मैग्नाइट नॉन टर्बो AMT जो है वो ज़्यादा लोगों को पसंद आएगी कंपेयर टू द मैग्नाइट टर्बो CVT विच इज़ ऑब्वियसली मच मोर फन बट देन इट्स ऑल्सो मच कॉस्टलियर एंड वुड ऑफर लेसर फ्यूल एफिशिएंसी। तो चलिए अगर हम इसी गाड़ी पे फोकस करें तो जैसे मैं आपको बताया आपको 72 PS एंड 96 NM मिलता है विच इज़ एक्चुअली जस्ट अबाउट एडिक्वेट एंड हम इस समय ECR पे चला रहे हैं। इनफैक्ट हमने इसको थोड़ा चेन्नई की जो इंटरनल रोड्स हैं सुबह जब स्पास ट्रैफिक था उसमें भी चलाया, सो पावर की कमी तो जनरली आपको महसूस नहीं होगी। हाँ ये ज़रूर है कि अगर आपको सडन बर्स्ट ऑफ एक्सेशन चाहिए तो शायद आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो बिकॉज पावर इज नॉट इन अबंडेंस, बट द गुड थिंग इज इसका जो ये AMT है जिसको निसान ईजी शिफ्ट बोल रहा है वो उन्होंने काफ़ी अच्छा ट्यून करने की कोशिश करी है। तो अगर हम पहले AMT पे ही थोड़ी हम बात करें तो एक बहुत जो नोटिसेबल चीज़ है वो ये है कि जनरली आपने देखा है कि AMTs में जब गियर शिफ्ट्स होते हैं तो देयर इज अ हेड नॉट मूवमेंट बिकॉज एक थोड़ा झटका सा लगता है तो हल्का सा आपका जो हेड है वो नॉट हो जाता है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ प्रोनाउंस्ड जर्क विच इज एब्सेंट इन दिस कार। इसकी ट्यूनिंग ऐसे हुई है कि जो जर्क एक होता है इनहेरेंट जर्क जर्किनेस जो होती है AMT की वो काफी हद तक मिनिमाइज है। अब उसका थोड़ा सा डाउनसाइड ये भी है कि जो शिफ्ट का जो टाइम है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड है कंपेयर टू द अदर AMTs दैट वी हैव सैंपल्ड, बट देन जो एक हेड नॉडिंग वाला मूवमेंट है वो बहुत सही कंट्रोल है बिकॉज उन्होंने जर्क्स को कंट्रोल कर लिया है। दूसरी अच्छी चीज ये हुई है कि थैंक्स टू द AMT द इंजन इज नाउ मोर साइलेंट बिकॉज AMT ऐसा ट्यून किया गया है कि आपका जो इसका जो पावर बैंड है उसमें ही गाड़ी रहे तो आपको अननेसेसरी रेव करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, तो उसकी वजह से भी ये जो इंजन है थोड़ा ज्यादा स्मूथ फील होता है एंड NVH भी इसके बेटर कंट्रोल्ड है। तो अगर हम सिर्फ AMT की ही बात करें तो आई वुड से निसान हैज डन
अ प्रीटी नीट जॉब, ऑल्दो आई वुड से इट्स स्टिल नॉट द बेस्ट इन बिजनेस। वो टाइटल शायद अभी भी एक्सचर का जो एमटी है जिसमें आपको पेडल शीट्स वगैरह भी मिल जाते हैं एंड ट्यूनिंग भी उसकी बहुत अच्छी है, अभी भी आई थिंक दैट्स द बेस्ट एमटी इन द बिजनेस राइट नाउ। बट दिस ऑल्सो इज अ प्रीटी वेल सॉर्टेड, प्रीटी गुड ट्रांसमिशन, ट्यूनिंग अच्छी करी है इंजन के साथ, जो आई वुड से जो इसका मीटिंग है वो काफी अच्छी हुई है एंड जैसे मैंने आपको बताया हेड नॉटिंग वगैरह भी काफी कम है, तो उस लिहाज से अच्छा ट्रांसमिशन है। और फिर अब अगर हम गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करें तो लाइक आई सेड इट्स नॉट वेरी पावरफुल, इनफैक्ट इट्स जस्ट अबाउट एडिक्वेट। एंड इसीलिए अगर आपको सडनली इफ यू वॉन्ट सडन बर्स्ट ऑफ एक्सीलरेशन, जैसे आप देख रहे हैं समय एक्सीलरेट कर रहा हूँ, तो द कार इज नॉट वेरी क्विक, इट टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम टू कैच स्पीड्स। और अगर आप इसको कभी हाईवे पे ले जा रहे हैं तो आई वुड से 80 to 100 वुड बी अ स्वीट स्पॉट, उसके ऊपर अगर आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो इंजन विल डेफिनेटली फील स्ट्रेस्ड। वहीं अगर हम शहर की बात करें तो शहर में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी बिकॉज द एमटी इज वेल मेटेड विद द इंजन एंड जो इसका लो एंड रंट है या इवन जो मिड रेंज टॉर्क वगैरह है वो भी ठीक ठाक है, डिसेंट है। इसीलिए कि आपकी जो रोजमर्रा की ड्राइविंग है उस पर तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ बट ये जरूर है जब आप एक्सप्रेस वे पे आते हैं, जैसे इस समय मैं एक ईवे पे हूँ एंड अगर मुझे सडनली परफॉर्मेंस चाहिए, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस चाहिए, तो हाँ थोड़ी निराशा जरूर होगी। तो गाइज ये तो बात थी इंजन की, इसके नए ट्रांसमिशन की आई होप मैं आपको काफी जो भी आपके डाउट्स थे वो आपको मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर अगर हम बात करें हैंडलिंग या डायनेमिक्स वगैरह की तो उसमें कुछ बदला नहीं है। मैग्नाइट एक काफी वेल सॉर्टेड प्रोडक्ट है व्हेन इट कम्स टू राइड एंड हैंडलिंग, तो इसकी राइड जो है दैट इज डिसेंट, आपको एक अच्छी राइड मिल जाती है, सफल राइड मिल जाती है। वहीं जो इसकी हैंडलिंग है वो भी अच्छी है, द स्टेयरिंग इज डायरेक्ट, बॉडी रोल इज वेल कंटेन्ड, जैसे पहले था वैसा ही अभी भी है। So the Magnite when it comes to ride and handling balance it has been a pretty well sorted offering। और फिर अगर हम ब्रेकिंग वगैरह की बात करें तो उसमें भी कुछ डिफरेंस नहीं है। एंड अब ऑब्वियसली हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो थोड़ा सा इंटीरियर की भी बात करते हैं। तो सर आपको पहले बोला कि ये जो गाड़ी है ये तीनों ही जो इसके ट्रिम्स हैं बेस, मिड लेवल एंड टॉप, तीनों में आपको AMT का ऑप्शन मिल रहा है। सो बेस्ड ऑन योर बजट यू कैन पिक अ मॉडल ऑफ योर चॉइस। एंड अगर हम टॉप एंड की ही बात करें तो यू गेट अ डिसेंट सेट ऑफ फीचर्स, जैसे कि आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है, एक 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, यही नहीं आपको साथ में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाते हैं ORVMs पे। कुछ ऐसे जरूर फीचर्स हैं जो कि शायद निसान को ऑफर करने चाहिए। आज से जब 2.5 साल पहले 3 साल पहले गाड़ी लॉन्च हुई थी तब ये फीचर्स का एब्सेंस जो था उतना नहीं खटकता था, बट अब इन द लास्ट 3 ईयर्स द फीचर्स लिस्ट ऑफ द राइवल्स हैज एक्सपैंडेड एंड इसलिए थोड़ी सी कुछ कमियां महसूस होती हैं, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग नहीं है इस गाड़ी में, वो मिल सकती थी, साथ ही साथ ऑटो एडजस्टमेंट मिल सकता था इसका जो ORVM है उस पर, और भी एक दो ऐसी चीजें जो खटकती हैं थोड़ी सी, जैसे कि अगर आप इसके डोर लॉक्स को देखेंगे तो अभी भी आपको नॉब टाइप मिल रहा है जो कि शायद बहुत पुरानी गाड़ी जैसे मारुति 800 वगैरह था उनमें मिलता था। ये छोटी मोटी चीजें हैं विच एक्चुअली फील लाइक अ स्मॉल आईसोर। तो फीचर्स में जरूर निसान इसको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस दे सकता था, बट देन हमने निसान के जो मैनेजमेंट है उससे बात करी इस बारे में तो उन्होंने हमें यही बताया कि दे डिडंट वांट टू हैव अ सडन इंक्रीमेंट इन प्राइस, क्योंकि अगर इस गाड़ी में वो फीचर्स भी एक्स्ट्रा दे देते हैं एमटी के साथ तो इसका जो प्राइस था उसमें कुछ ज़्यादा इजाफा हो जाता। तो अभी उनका फोकस यही है कि इसका जो एमटी वर्जन है इसका प्राइस वो काफ़ी अच्छा रखें एंड विद टाइम एज पर द कस्टमर डिमांड वो शायद इसके जो फीचर्स लिस्ट हैं उसको भी अपग्रेड करें। बट फिलहाल आई वुड से द लैक ऑफ सच स्मॉल फीचर्स दे एक्चुअली लुक लाइक अ स्मॉल ड्रॉबैक। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि निसान मैग्नाइट इजी शिफ्ट AMT चलाने में कैसी है। एंड अब मैं अपने वीडियो के अंत पे आ चुका हूँ। हमने इस वीडियो की शुरुआत में एक सवाल किया था कि क्या आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए, तो अगर हम उसका आंसर की बात करें तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे दोस्तों कि निसान मैग्नाइट जो है हमेशा से एक हाई वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन ऑफरिंग रही है, जहाँ पे ब्रेजा या फिर वेन्यू या सोनेट जैसी गाड़ियाँ थोड़ा सा इससे एक्सपेंसिव है, वहीं पर ये गाड़ी विच इज़ इक्वली बिग या इक्वल साइज की है वो गाड़ी आपको जो माइक्रो SUVs हैं जैसे कि टाटा पंच, हिंदी एक्सटर या मारुति फ्रॉन्क्स लगभग उसी प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है। एंड अब जो निसान ने नया इसका वर्जन लॉन्च किया है इसकी प्राइसेस तो अभी हमें नहीं बताया निसान ने, बट ये जरूर बताया कि अराउंड 7.5 लाख में आपको एक AMT इक्विप्ड सब कॉम्पैक्ट SUV मिल जाएगी एंड दैट अलोन इज अ बिग USP दैट दिस कार हैज़। हाँ ये जरूर है कि इसमें इस पैकेज में कुछ खामियां जरूर हैं, इट्स नॉट एज फन टू ड्राइव एज द टर्बो CVT वेरिएंट विच इज़ ऑब्वियस। वहीं जो इसका जो अगर हम इंटीरियर वगैरह की बात करें तो कुछ प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी बेटर हो सकती थी, बट कुछ छोटी मोटी ऐसी चीज़ें थी जो शायद निसान एनहांस कर सकता था, बट देन निसान एक्चुअली प्रायोरिटाइज्ड प्राइसिंग ओवर लोडिंग इट विद एक्स्ट्रा फीचर्स एंड दैट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, बिकॉज जैसे कि मैंने अभी आपको बोला अगर आप उनमें से हैं जिनको एक
सब कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ चाहिए, वो जरूर इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं और इसका जो ये वैल्यू प्रोपोजिशन है उससे बेनिफिट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं अपने वीडियो के अंत पर आ चुका हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और यही नहीं अगर आपके जहन में इस गाड़ी को लेके कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स हैं, तो वो भी आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की। सो दैट्स इट फॉर नाउ माई फ्रेंड्स, एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए।